जी पेशावर के इलाके जो नवाही इलाका है मतनी दीजिए, यहाँ पर गुज़िश्ता दिनों एक वाकया उस वक्त पेश आया जब यहाँ के एक आबिदली नामी जो इंतहाई मासूम इंसान था और बहुत नौजवान भी थे और काफ़ी कम उम्र भी थे, तो उसको नामालूम अफराद ने टैक्सी करके दरदम खेल इस बहाने ले गए और वहाँ पर वो लापता हो गया। उन ये वाकया गुज़िश्ता माह की 27 तारीख को पेश आया था जब अहले इलाका ने तलाश शुरू कर दी और उसका जो ख़ुद अपना लियाकतली वालिद है तो वो लाहौर में एक जगह पर चौकीदारी करता है, इस तरह के और छोटा भाई उसकी भी टैक्सी चलाता है। तो ये केस इब्तदाई इतलात के मुताबिक अगवा बराए तावान लगता है, जैसा कि इसकी न कोई दुश्मनी है न कोई ख़ानदानी तनाज़ा है, तो उसके हवाले से यहाँ पर इस वक्त जो मतनी के लोग हैं दिजई के वो जमा हो गए हैं और सरापा एहतजाज हैं और इस वक्त लोग एक बड़ी तादाद में दिखाई भी दे रहे हैं कि इस वाक़े के ख़िलाफ़ यहाँ पर बैठे हैं और उनका ये जो मुतालबा है हुकूमत से कि जो नौजवान है ये वाक़ा पेश आया है तो अभी पेशरफ़ क्यों नहीं हुई। उसमें दो मुलज़िमान जो कुहाट पुलिस है वहाँ से गिरफ़्तार कर लिए हैं और 22 तारीख को उसकी जब इसी माह सितंबर को लाश मिली थी तो लाश बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दी थी और वो कर दी गई थी और इस काबिल भी नहीं थी कि उसको दफनाया जाए। तो इसी हवाले से इलाका के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो काफ़ी मुश्किलात से इस वक्त दोचार हैं और जरगा भी इसलिए बुलाया गया है कि हुकूमत क्या कर रही है, न उसकी दुश्मनी थी न हुकूमत इलाके के लोगों को साफ बात बता रही है और इस तरह ऐसे वाक़ियात क्यों पेश आए हैं आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। तो इसी हवाले से लोगों का साथ साथ ये भी कहना है कि दो मुलज़िमान ज़रूर गिरफ़्तार हैं, ताहम टैक्सी जो चलाता था सुजुकी तो वो तो बाद यज़ा वो भी मिल गई है और वहाँ पर उसको कब्ज़े में पुलिस ने जब लिया तो उस लोगों को हवाले कर दी गई है और इस तरह उसकी जो मैयत है वो भी लोगों को बाद यज़ा हवाले की जा चुकी है। इस तरह लोगों का साथ साथ ये भी मुतालबा है कि हुकूमत रोकथाम के लिए ना भी चूँकि दो थानों का केस है, जैसा कि मतनी से अगवा किया गया और लाश दरदम खेल जो कुहाट का इलाका है वहाँ से मिली, तो लोगों का साथ साथ ये भी कहना है कि इसमें जो सहूलतकार है वो कहाँ हैं, किन लोगों ने प्लान करवाया, क्यों करवाया, तो ये जवाबात इन लोगों को चाहिए और यकीनन हुकूमत को चाहिए और खुसूसन पुलिस को कि इस लोगों के यहाँ आए उसको मुतमईन कराया और जो मुलज़िमान हैं वो ज़रूर गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। कि इसमें मज़ीद तहकीक का भी साथ साथ लोगों की जानिब से मुतालबा किया गया है और लोगों का ये भी जो लोग इस वक्त जमा है तो उनकी जानिब से ये भी कहना है कि फौरी तौर पर पुलिस व काम भी आए, जो अहल खाना है वो इंतहाई गरीब, जैसा कि दो भाई सिर्फ और सिर्फ जो टैक्सी थे या जो सुजुकी थे वो भी पराए वो चला रहे थे, वालिद खुद चौकीदार है तो इंतहाई गरीब फैमिली से भी ताल्लुक़ है और चूँकि कम उम्र भी था, तो उनको इंसाफ भी दिलवाया जाए और साथ साथ हुकूमत को चाहिए कि उनका जो मुआवजा बनता है, जैसा कि उसके दीगर बहन भाई जो एक गरीब ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है तो मुआवजा भी दिया जाए, साथ साथ उनका ये भी मुतालबा है कि फौरी तौर पर उनको जो इंसाफ़ की फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए और ताकि आइंदा इस तरह केसेस ना हो और आइंदा के इस तरह केसेस के हवाले से भी ये लोग जो जमा हैं इस वक्त सरापा एहतजाज हैं तो उनका ये भी कहना है, उनका ये भी मुतालबा है कि ऐसे रोकथाम के लिए ताकि आइंदा इस तरह रोकथाम न हो, इलाके में जितने भी अगवाकार या जो दीगर जरम पेशा नेटवर्क के सारे तोड़ दिए जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको कानून के कटहरे में लाया जाए, जैसा कि पुरमन लोग हैं यहाँ पर ये नहीं चाहते हैं कि इस तरह हादसा आइंदा रुनुमा हो, तो उनका मुलज़िमान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का मुतालबा है, इस तरह इंसाफ दिलवाने का भी मुतालबा है और साथ साथ आइंदा के रोकथाम के लिए इस तरह के वाक़ियात का भी ये लोग मुतालबा कर रहे हैं और जो हले खाना है तो उसको भरपूर मुआवजा के भी मुतालबा किया जा रहा है।